नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी सार नॉलेज इन अ नटशेल, ज्ञान के सारांश बोधी सार, ब्रॉट टू यू बाय बोधी बूस्टर, नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स। में आपका हार्दिक स्वागत है। वी स्टार्ट विथ एन अमेजिंगली मोटिवेशनल थॉट। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। स्टीव जॉब्स, क्या कहा था स्टीव जॉब्स महोदय ने? नव प्रवर्तन या नवाचार ही एक शीर्ष नेता और एक फॉलोअर के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। इस स्टेटमेंट को वी कैन अप्लाई दिस टू नॉट जस्ट लीडर्स एज इन पॉलिटिकल लीडर्स, बट ऑल्सो टू एंटायर नेशंस, टू कॉरपोरेशंस, टू प्रोडक्ट मेकर्स, टू इवन स्टूडेंट्स एंड टू एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा, इसके विभिन्न अर्थों को समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने जीवन पर इसे लगाने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। बोधी सार ऑफर्स यू दीज 7 अमेजिंग फीचर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। बोधी सार में जो कुछ हम आपके लिए लेकर नियमित रूप से हाजिर हो रहे हैं, दिस इज यूजफुल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, यूपीएससी, आरबीआई, आईबीपीएस, बैंक पीओ, स्टेट पीएससी, एसएससी, सीडीएस, रेलवेज, फॉर ऑल एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स इंक्लूडिंग आईएम कैट, एक्सएलआरआई एक्सेट्रा, बिकॉज नॉलेज इज बेसिकली नॉलेज। ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज, जहां कहीं भी आपको बोलने के लिए पॉइंट्स की कमी पड़ जाए या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत इजी वे में पेश करना हो, वेलकम टू बोधी सार। एंड ऑफ कोर्स फॉर एनी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बोधी सार की यात्रा आपके प्यार और सहयोग से लगातार जारी है। आइए आपको दिखाएं हमारे बेहतरीन नए बोधी स्टार्स। बोधी स्टार्स वे लोग जो हमें लगातार, ये टेस्टिमोनियल दिख रहे हैं आपको, टेस्टिमोनियल टैब पे जाके आप हमारे लिए कुछ मीठी मीठी बातें लिखिए। ये रहे कुछ लेटेस्ट बोधी स्टार्स, बोधी सितारे। विजय त्यागी फ्रॉम मोदी नगर, थैंक यू वेरी मच विजय फॉर योर हार्टफेल्ट सेंटिमेंट्स। चेतन कुमार फ्रॉम बिलासपुर, थैंक यू वेरी मच चेतन, आपने बड़े दिल से बातें लिखी हैं, ये बातें निश्चित ही वक्त के साथ साथ और आगे बढ़ती जाएंगी। प्रिंस अनुपम सिंह फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, थैंक यू अनुपम, एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू हियर फ्रॉम यू हाउ बोधी बूस्टर एंड पीटी हैज बीन ऑफ हेल्प टू यू। आकाश देवांगन फ्रॉम न्यू दिल्ली, बहुत खूबसूरती से आकाश जी ने हमारे लिए जो कुछ लिखा है, हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए आपको यकीन दिलाते हैं आने वाले समय में और अधिक जोश के साथ ये काम करते रहेंगे। भावना मिश्रा फ्रॉम खड़गपुर, थैंक यू वेरी मच भावना, यू हैव रिटन अमेजिंग वर्ड्स फॉर अस एंड वी रेसिप्रोकेट द सेंटिमेंट, हमारी टीम पूरी ऊर्जा से इस काम में लगी रहेगी। प्रियांक शर्मा सहारनपुर, थैंक यू प्रियांक। गौरव आर फ्रॉम भोपाल, थैंक यू गौरव, आप बड़े एनर्जी के साथ ये पोर्टल यूज कर रहे हैं, आप निश्चित ही सफल होंगे। हर्षा शर्मा फ्रॉम विशाखापट्टनम, ललित सुथार सिरोही, आकाश फ्रॉम बालासोर एंड मैनी मैनी मोर फ्रॉम जम्मू, वी हैव आर फ्रेंड मोहम्मद अजाज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ये प्यार बनाए रखें। आइए आज का काम शुरू किया जाए। ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। रिमेंबर दिस इज कॉपीराइटेड कंटेंट, इफ यू फाइंड एनीवन मिसयूजिंग अस इन अ कोचिंग क्लास फॉर एग्जाम्पल और फॉर सम अदर कमर्शियल यूज, रिपोर्ट ऑन द ईमेल एंड मोबाइल नंबर गिवन। All institutions that wish to have a proper institutional licensing, आपके लिए सारे ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, हमसे संपर्क करें। The Bodhi Sar topics for today: Thou shalt not drink. The story of liquor ban in India. भारत में मदिरा पान पर लग रहे प्रतिबंध अभी तो हाईवे पर लगे, धीरे धीरे बेटा बहुत भीतर तक आने वाले हैं। Multiple tribunals no more. भारत सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए केंद्रीय बजट अर्थात वित्त विधेयक के साथ साथ बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स का रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण कर डाला है। देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन इलेक्शन सेफ और नॉट, ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सभी पक्ष अपने अपने पक्ष पर मजबूती से अड़े हुए हैं। देखते हैं 5G एंड IoT, द फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या है हमारे लिए भविष्य में? कुछ बहुत ही बढ़िया आने वाला है ऐसा लगता है। तो तैयार हैं, कैन वी बिगिन, हियर वी गो। थाउ शैल्ट नॉट ड्रिंक अर्थात हे प्रभु, अब आप बिल्कुल मदिरा पान नहीं करेंगे। पूरी कथा मदिरा पान पर लगे प्रतिबंधों की। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द मेन डोमेन एंड ज्यूरिसप्रूडेंस इज द सब डोमेन। शुरू करें।
नो मोर लिकर ऑन दी हाईवेज, राजमार्गों पर अब कोई मद्य नहीं, मद्यपान नहीं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द 15th of December 2016 इन अ स्पेशल केस कॉल्ड स्टेट ऑफ तमिलनाडु रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सेक्रेटरी होम प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एंड अदर्स वर्सेस के बालू. ये उस केस का नाम था जिसमें पहला ऑर्डर आया, दूसरा ऑर्डर 31 मार्च को आया. ऑर्डर द क्लोजर ऑफ ऑल लिकर शॉप्स अलोंग नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इफ दे वर विद इन 500 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द हाईवे. यदि राजमार्गों के किनारों से 500 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार की मदिरापान की दुकान है या मदिरा की दुकान है तो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए. देन केम द मार्च 31st मॉडिफिकेशन ऑर्डर इन द सेम केस. इसी मामले का फिर मॉडिफिकेशन वाला आदेश 31 मार्च को आ गया. The court directed the governments to cease and desist from issuing excise licenses, आबकारी अनुज्ञप्तियां after March 31st. यानी नई शराब की दुकानें खुलने की अनुमतियां आप देना बंद कर दो. The court decision comes in view of the vast majority of fatal road accidents caused due to drunken driving. There is a separate comprehensive report available on the state of accidents in India. वो हमने बोधी रिसोर्सेस पर आपके लिए लिंक किए, डाउनलोड करके पढ़िएगा, उसके कुछ स्नैपशॉट्स दिखाएंगे. The figures show that road accidents due to drunken driving account for 4% of the total. So that number is not too large, but that number itself is debatable. जानते हैं क्यों? कोई भी व्यक्ति शराब पीकर यदि एक्सीडेंट करेगा तो ना तो वो व्यक्ति और ना उसके परिवार वाले किसी भी तरह ये रिपोर्ट होने देने का प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति शराब पिए हुए था, क्योंकि इससे फिर मिलने वाले कंपनसेशन पे बहुत फर्क पड़ जाता है. हो सकता मिले ही नहीं, इसलिए ये बहुत अंडर रिपोर्टेड फिगर भी हो सकता है. इस बात को आप तय मान के चलें. कुछ बारीक जानकारियां जिन स्टूडेंट्स को चाहिए वो हमने यहां लिस्ट कर दी हैं. इन पे क्विज के क्वेश्चंस बन सकते हैं. हा हा हा, हमने आपको हिंट दे दी. तो इस तरह के कुछ एग्जेम्पशंस और रिलीफ्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए. मेघालय सिक्किम को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया हिली और फॉरेस्ट टेरेन की वजह से, और उसके अलावा लोकल बॉडीज 20,000 की जनसंख्या वालों को किसी तरह के एग्जेम्पशंस मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन्हें आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा. अब एक बॉडी है नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद NRSC. दिस वॉज एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 215 ऑफ MV एक्ट 1998, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बनी थी. इट हैड रिकमेंडेड मेनी ईयर्स अगो दैट लाइसेंसेज फॉर लिकर शॉप शुड नेवर बी गिवन अलॉन्ग नेशनल हाईवेज. एन MORTS लेटर हैज कंसिस्टेंटली एडवाइज ऑल गवर्नमेंट्स मत करो. सरकारें सुनती नहीं है क्योंकि राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है. टू डेटर ड्रंकन ड्राइविंग सेक्शन 185, अभी हमने इसके पहले सेक्शन देखा था 215 जिसके तहत NRSC बना था, अब देख रहे हैं सेक्शन 185 खंड 185 मोटर व्हीकल एक्ट का. इट पुट्स पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन ड्रंकन ड्राइविंग. अब MORTS के फिगर बताते हैं कि 2012 में 23,989 रोड एक्सीडेंट्स शराब पीकर वाहन चलाने से हुए, जिससे लगभग 8,000 मौतें हो गई. लिकर बैन एन ओल्ड स्टोरी. मदिरा पर प्रतिबंध ये एक पुरानी कहानी है भारत में. आइए इसके विभिन्न संवैधानिक पहलुओं को भी समझते हैं. प्रेजेंटली कंप्लीट प्रोहिबिशन इज इनफोर्स इन गुजरात, बिहार, नागालैंड एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप. ये याद रखिएगा. फ्यू अदर स्टेट्स लाइक मणिपुर, महाराष्ट्र एंड केरला हैव अ पार्शियल प्रोहिबिशन, आंशिक प्रतिबंध मदिरा पर. स्टेट्स विद प्रोहिबिशन हैव फेल्ड टू फुली कंट्रोल द कंजम्पशन एंड सेल ऑफ लिकर. तो ये बात जानी मानी है कि जिन राज्यों में मदिरा पर प्रतिबंध लगा हुआ भी है, देयर ऑल्सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू एक्सेस लिकर इन केस दे आर डाई हार्ड ड्रिंकर्स. जी ही नहीं सकते शराब के बिना, तो मिल जाता है शराब कहीं ना कहीं से. लिकर फ्लो अनइंटरप्टेड इनटू दी स्टेट्स आल्सो फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स वेयर प्रोहिबिशन इज नॉट इन्फोर्स्ड. द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉरल स्टोरी. संवैधानिक और नैतिक कहानी क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दैट हैव फॉलोड लेटर हैव लेड वेरियस प्रेसिडेंट्स एंड रूल्स फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन. It is right from 1950 when our constitution came into being that there have been many precedents. Let us look at all these one by one. The moral case comes from Article 47. इस पूरे मदिरा पर प्रतिबंध का जो नैतिक मामला है वो अनुच्छेद 47 से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से निकलता है. क्या कहता है आर्टिकल 47? आपके सामने है स्क्रीन पर. The state, it's the duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health. In particular, the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. Up, we know that the directive principles of state policy are not justiciable.
but they are only directive principles. So the courts can take cognizance of them, which the courts of India, especially the Supreme Court after 1990, have been doing with increasing rigor and frequency. And then there is Article 142 also, which relates to the Supreme Court's decrees and orders and the span and expanse of them. तो ये अलग अलग लीगल एक्सपर्ट जिन मुद्दों पर आजकल बात कर रहे हैं वो सब हमने आपको स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए दे दिए हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट ट्रेड इन अल्कोहल इज रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम. क्या अर्थ हुआ इसका? दिस इज बियॉन्ड कॉमर्स, ये वाणिज्य के परे है, मदिरा में व्यापार. देयरफॉर इट इज नॉट एंटाइटल टू एनी प्रोटेक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स विच मे अदरवाइज बी अकॉर्डेड टू कॉमर्स. लेकिन अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है. कुछ मामले देखते हैं. खोड़े केस 1995, तो कोर्ट डिनाइड कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी टू द लिकर ट्रेड एंड अलाउड इट बाय सेइंग दैट इफ अ गवर्नमेंट परमिट्स इट देन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओब्लाइज टू रेगुलेट द सेम इन अ फेयर मैनर. इन द केरला केस, इस काफी तूल पकड़ा था इस मामले ने 2015, द सुप्रीम कोर्ट वेंट फर्दर टू से दैट इफ द ट्रेड इज परमिटेड देन इट इज ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिटिमेट. तो ये ऑफ एंड ऑन ये बदलता रहा है स्टैंड. In India, this theme of res extra commercium, अर्थात beyond commerce, is applied not just to liquor but also to gambling and rural debt, जुआखोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी साहूकारों द्वारा दिए जा रहे ऋण पर भी लागू होता है. 1957 में the Supreme Court had declared gambling constitutionally unprotected, and Justice Krishna Iyer in 1977 had declared rural trade constitutionally unprotected. तो ये इसके दूसरे शेड्स हैं. अब लिकर बैन पर आते हैं. जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं जिन्होंने ये बैन लगाया है. फर्स्ट जजमेंट 500 मीटर बिना किसी अपवाद के उन्होंने तय किया. अब विधि विशेषज्ञों ने इस पर अनेक तरह से प्रतिक्रियाएं दी. व्हाट वर द मल्टीपल एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन इट? नंबर वन, दैट दिस ऑर्डर हैज मिस इंटरप्रिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेटेड टू अल्कोहल. Number two, national highways are definitely within the jurisdiction of the central government, but the rest of the roads come under the states. So how could the Supreme Court in one stroke wipe out the legislations of all the states? Isn't that being too wide in scope? And third, all the states were not present in the hearing either. तो इस तरह से 500 मीटर की ये सीमा तो अचानक से तय कर दी गई. 501 क्यों नहीं, 510 क्यों नहीं, etc. Justice Chandrachud's second judgment 31st मार्च को आया. अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वॉज ट्रैमल्ड विद टेक्निकैलिटी. द बिजी टाउन थ्रू विच स्टेट हाईवेज रन हैड टू कंप्लाई बाय द 500 मीटर क्राइटेरिया. एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस कुड कंटिन्यू टिल 30th सितंबर एंड एग्जेम्पशन गिवन टू मेघालय एंड सिक्किम. व्हाई नॉट अदर हिली स्टेट्स? तो उसमें भी अभी कोई उत्तर नहीं है. तो ये हैं इसके अलग अलग निहितार्थ. फोर्थ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. No doubt the judgment will have a huge social impact, which in many cases will be very positive. In some cases, the immediate loss of employment will make it negative. An economic impact at a time when the government is promoting tourism of all kinds, and for a lot of foreign tourists in India, liquor consumption can be central to their tourism experience, including medical tourism. The liquor ban is sure to hit the hospitality and tourism industry the most. You know, hotel udyog aur paryatan udyog ko is madira pratibandh se gehri chot lagne ki aasha hai. Travel and tourism sector. This will include restaurants, bars, liquor vendors, employees more than most other sectors in the country. तो इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा employment intensive sector है. तो food service sector alone provide direct employment to 58 lakh people and indirect employment to another 75 to 85 lakh people. तो इस तरह से आने वाले वर्षों में संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी. तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों का सीधा सीधा रोजगार इससे प्रभावित हो सकता है. Revenue implications for states. It will also have very serious revenue implications for many of the states for whom liquor definitely is a source of revenue. Liquor is the leading contributor. 1/5 of Tamil Nadu's revenues come from the sale of liquor. 20% Tamil Nadu ka rajasva sharab se aata hai. Isiliye sarkar wahan khud sharab bechne mein lagi hui hai. Maharashtra earns about 20,000 crore revenue. To iske liye fir alternative tarike dhoondne padenge. Illegal sale of liquor and crime. According to an industry body estimate, the collective revenue loss from the ban would be around 50,000 crore rupees. तो जो कंपनियों को नुकसान होगा वो इतना भी हो सकता है. The uncertainty of India's business climate will deter investment in these sectors in the future. यदि कोई भारत में बाहर से निवेश करने वाला था इस प्रकार की कंपनियों में,
With such a blanket ban, they will think 10 times before putting fresh money. Illegal liquor vendors are also likely to flourish, क्योंकि जो चीज़ लीगली नहीं मिलती, हम भारतीय इस मामले में विशेषज्ञ हैं, हम उसे अवैध तरीके से प्राप्त कर लेते हैं. तो इस तरह का ट्रेड होगा. हॉलीवुड में एक बहुत ही शानदार मूवी, जब शिकागो में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा था, तो अमेरिका में प्रोहिबिशन था, और उसके बाद शिकागो में बहुत बड़ा एक गैंग पनपा था. उस गैंग के बॉस का नाम बताइए, और वो मूवी कौन सी थी? बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, लेकिन एक दो मूवीज़ बहुत सक्सेसफुल हुई. उन मूवीज़ का हमें नाम बताइए, विच सेंटर्ड ऑन द हॉलीवुड रिक्रिएशन ऑफ द प्रोहिबिशन सिचुएशन इन अमेरिका इन 1930s एंड 1940s. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट जो एक्सीडेंट की हमने आपके लिए बोधी रिसोर्सेस में रखी, वहाँ से आपके लिए स्नैपशॉट लाए हैं. पॉइंट नंबर 10 देख लीजिएगा. और इस चीज़ ने सरकारों को और सुप्रीम कोर्ट को कई बार मोटिवेट किया है कि इस तरह के बैन लगाए जाएं. रोड एक्सीडेंट पैरामीटर्स 2014 और 15 के भारत के एक्सीडेंट्स की संख्या आप देख लें, हर चीज़ बढ़ती जा रही है. लगभग 146,000 लोग 2015 में मौत के घाट उतर गए और 5,00,000 एक्सीडेंट्स हुए. टॉप 13 स्टेट्स इन रोड एक्सीडेंट्स आपके सामने हैं. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश टेक द ग्लोरियस नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 स्पॉट, विच इज एक्चुअली अ वेरी इनग्लोरियस पोजिशन टू बी इन. और ये टॉप 13 कुल मिलाकर 86% हिस्सेदारी भारत के सभी एक्सीडेंट्स में रखते हैं. कॉजेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स यदि आप देखें, उस रिपोर्ट से हमने आपके लिए स्नैपशॉट निकाले हैं, फॉल्ट ऑफ ड्राइवर constitute 77% of this, and definitely drunken driving will automatically become one part of this, not the whole thing, but a significant part of this. Quiz time. Under which act is the prohibition in Gujarat state in force? Gujarat राज्य में जो मदिरा प्रतिबंध है वो किस कानून के तहत है, जरा देख कर बताएं. What do you think is the answer? The correct answer is the Bombay Prohibition Act 1949. तो क्या सवाल हमने पूछा था, under which original act is the prohibition in Gujarat state enforced? And the answer is the Bombay Prohibition Act 1949. तब बॉम्बे एक कॉमन राज्य हुआ करता था, और उसके बाद आपको पता ही है 2016-17 में इसका एक अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया है. स्पूरियस लिकर बेच के लोगों की मौत के जिम्मेदार लोगों के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान की मांग काफी लंबे समय से उठती रही. From which date did Bihar government completely ban the manufacture and sale of liquor in the state? आपको पता ही है, बिहार में बहुत से सामाजिक कारणों की वजह से सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध उत्पादन और उपभोग पर लगा दिया. What do you think is the correct answer? 1st of April 2016. तो लीगर कंपनीज का अप्रैल फूल बन गया भैया. Which is the only Indian state to impose death penalty for the manufacture and sale of homemade liquor that results in fatalities? घर पे ऐसी शराब बनाना जिसको कंज्यूम करने से मौतें हो जाएं, उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किस राज्य में है? इट इज गुजरात. सो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. एंड बिफोर वी वाइंड अप, दिस इज द वर्ल्ड सिचुएशन ऑफ लिकर कंजम्पशन. आखिरी चार्ट में भारत को ढूंढने में भी आपको पसीने छूट जाएंगे. सो इंडिया इज इन अ वेरी फॉर्चुनेट स्टेट वेयर द नंबर ऑफ लीटर्स कंज्यूम पर एडल्ट पर ईयर इज इन फैक्ट लेस देन 10, वेयर एज जर्मनी इट्स 170, एंड ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, जापान, ब्राजील, रशिया एंड नाउ चाइना आर द लीडिंग टिपलर्स इन द वर्ल्ड. तो आप देख सकते हैं भारत में मदिरा पान वैसे ही भयंकर कम है, और उसके ऊपर से इतनी कड़ाई बरतेंगे तो भारत इस चार्ट से गायब हो जाएगा. अच्छा या बुरा, कई लोग कहते हैं ये फंडामेंटल राइट है, हम जीवन किस प्रकार जीना चाहें, तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी में इस पर काफी डिबेट हो सकता है. मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स नो मोर, इंडियन पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज. तो हाल फिलहाल में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भारत की राजनीति में आ रहे हैं. एक बहुत बड़ा परिवर्तन क्या आया, सरकार ने वित्त विधेयक पारित करवाते वक्त मनी बिल के तहत बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें भी अमेंडमेंट के रूप में उसमें डाल दी जो विशेषज्ञों के अनुसार बहुत गलत हैं. एक है ट्राइब्यूनल, न्यायाधिकरण, जो कि जुडिशरी के पैरेलल चलने वाला स्ट्रक्चर है, उनका रैशनलाइजेशन अभी देखते हैं. Tribunals merged. The recently passed Finance Bill 2017 has proposed sweeping changes and overhaul of the functioning of tribunals in India. भारत में अलग 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 जो न्यायाधिकरण चल रहे हैं
उनको बदल के रख दिया गया है. 8 एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल्स आर नाउ बीइंग मर्ज्ड इनटू एग्जिस्टिंग. तो 8 तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे. एक उदाहरण लीजिए, द कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्राइब्यूनल कॉम्पैट. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है, भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए बड़े बड़े दंड लगाने के लिए विख्यात है. तो जिस पर दंड लगता है वो कहीं तो अपील करने जाएगा ना, क्योंकि सीसीआर भगवान तो है नहीं, अपील का अधिकार डेमोक्रेसी में होता है. अ ट्राइब्यूनल विल लुक इनटू दीज अपील्स. तो उस ट्राइब्यूनल को मर्ज करके नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल NCLAT में मिला दिया गया है. सो लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स आर वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि भाई काम अलग है दोनों का. कॉम्पिटिशन अपेलेट ट्राइब्यूनल लुक्स इनटू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अपील्स, NCLAT लुक्स इनटू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अपील्स, एंड दे आर ऑल ऑलरेडी ओवर बर्डन. तो ये तो सिस्टम चलेगा कैसे? ये विरोध है सरकार का. कुछ उदाहरण, पहला तो बता ही दिया. सेकेंड, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, इट इज नाउ बीइंग मर्ज्ड इनटू टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल TDSAT. सिमिलरली द साइबर अपेलेट ट्राइब्यूनल इज ऑल्सो गेटिंग इनटू मर्ज्ड इनटू TDSAT. कॉपीराइट बोर्ड गेटिंग मर्ज्ड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड IPAB. नेशनल हाईवे ट्राइब्यूनल, एयरपोर्ट अपेलेट ट्राइब्यूनल, अब दोनों का काम बिल्कुल अलग है. तो इस तरह से सरकार ने बहुत बड़े भारी परिवर्तन कर दिए हैं. अब सवाल आता है, वाई ट्राइब्यूनल? भारत में न्यायाधिकरण आए ही क्यों? इंडिया हैज न्यूमरस ट्राइब्यूनल्स दैट लुक इनटू मैटर्स पर्टेनिंग टू कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ, IP लॉ, एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स ऑफ मल्टीपल काइंड्स, सेंसरशिप डिस्प्यूट्स, टैक्सेशन लिटिगेशन, कस्टम्स, सिक्योरिटीज रेगुलेशन, डेट रिकवरी, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट, सर्विस इश्यूज पर्टेनिंग टू सिविल एंड मिलिट्री पर्सनल, क्लेम्स अगेंस्ट द रेलवेज एंड मैनी अदर रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स. सो एज द इकोनॉमी हैज बिकम मोर एंड मोर मेच्योर एंड कॉम्प्लेक्स, द डिस्प्यूट्स हैव ऑल्सो ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एंड सो मोर एंड मोर ट्राइब्यूनल्स केम इन टू बींग ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम. हाउ डिड दे ओरिजिनेट? सारे न्यायाधिकरणों का उद्गम स्थल क्या भारत में? वैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए, नर्मदा का उद्गम स्थल बताइए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल बताइए. इन तीन नदियों का ओरिजिन कहाँ से है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. दीज ट्राइब्यूनल्स हैव प्रोलिफरेटेड एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ब्रॉट द इनफेमस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वॉज एक्चुअली कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. 1976 में इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदया 42वां संशोधन लाई थी, उसमें ट्राइब्यूनल्स बने थे. The amendment among other things sought the creation of tribunals under the center of state to adjudicate certain issues that were still then under the purview at the time till then under the purview of the independent judicial mechanism. तो आरोप ये लगा कि भारत की न्यायपालिका के पर कतरने के लिए इंदिरा गांधी जी ने पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा किया था. टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स विद द प्रेजेंट रिफॉर्म, द रियल प्रॉब्लम्स विद दीज अमेंडमेंट्स मेड बाय द प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट, मर्जर एंड एबोल्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स. इसमें हम देखेंगे 1, 2 एंड 3, तीन बड़े आरोप जो भारत सरकार पर विशेषज्ञों ने लगाए. नंबर 1, द पुअर ड्राफ्टिंग ऑफ द बिल. द फाइनेंस बिल एम्स टू रिफॉर्म अ टोटल ऑफ 27 ट्राइब्यूनल्स. ऑफ दीज इट सीक्स टू शट डाउन 8 बाय मर्जिंग देम विद द 19 रिमेनिंग ट्राइब्यूनल्स. 8 + 19 = 27. Now this is a difficult job because each tribunal is set up under a different act of parliament, so tomorrow this whole matter can land up in the Supreme Court. Samajh gaye pehli problem? Second, the fact that the center is taking for itself power related to appointment, removal and qualification criteria of judges appointed to these tribunals. Ye dusra aarop hai, wo sab sarkar ne apne haath mein le liya hai. The important aspect of section 179 of the finance bill is the intention to transfer huge powers from the parliament to the government. Most of the 19 tribunals targeted by this bill are manned by a mix of judicial and technical members, and the qualification appointment criteria has been laid by the parliament. The finance bill effectively gives bureaucrats of the central government all these powers. Thereby, the parliament will practically lose the power to have any say in the future working of these. Third, another provision of the present finance bill, section 180, effectively fires judges from 9 existing tribunals with 3 months pay and allowances. तो अब ये जो 9 खत्म हो रहे हैं, यहाँ के जजेस को 3 महीने की सैलरी और अलाउंसेस के साथ सेवा से हटा दिया जाएगा. नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कानूनी रूप से देखें तो जहाँ जहाँ जजेस अपॉइंट होते हैं
उनकी सेवा की शर्तों को अपॉइंटमेंट के बाद बदला नहीं जा सकता है। हाँ, सपोर्ट स्टाफ तो यहाँ वहाँ एब्सॉर्ब हो जाएगा। When government of India itself is a litigant, then what? अब भारत सरकार भारत में सबसे बड़ा कानूनी मामलों में उलझने वाली पार्टी है। While this proposal can lower administrative costs, which proposal? The reduction of the number of tribunals, ensuring specialization and bringing in officials from diverse background will be imperative. Otherwise, tribunals मजाक बन के रह जाएंगे। This will pose a conflict of interest in cases where the government itself is a litigant. उनका खुद का vested interest है, तो वो सही neutral expert वाकई में लाएंगे क्या? The rationalization of tribunals is important, but this will lead to a dilution of expertise and a lot of confusion. So overall, this measure has been welcomed with a lot of skepticism from many quarters. Quiz time! आइए कुछ सवाल हल किए जाएं। तैयार हैं? चलिए उत्तर बताइए। Which article of the Constitution provides for the establishment of an administrative tribunal for the union and a separate administrative tribunal for each of the state or for two or more states? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में लाया गया? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 323A विच क्रिएट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। याद रखिएगा 323 क। अंडर विच एक्ट इज द डीआरटी एस्टैब्लिश्ड? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऋण प्राप्ति न्यायाधिकरण। 1, 2, 3, 4, 5. What do you think is the act responsible for the creation of DRT in India? The correct answer here is the Banks and Financial Institutions Act 1993, which gave birth to the Debt Recovery Tribunal. Who is the chairman of the Central Administrative Tribunal? A very, very important body. Kendriya Prashasanik Nyayadhikaran, CAT ke adhyaksh ka naam bataiye. बड़ा प्यारा सवाल है। द करेक्ट आंसर इज जस्टिस प्रमोद कोहली। वी होप यू हैव एंजॉयड द क्विज। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन इलेक्शंस इन इंडिया, सेफ और नॉट? इंडियन पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के डोमेन से हम आपके लिए ये जबरदस्त विषय लेकर आए हैं। द डिबेट इज रेजिंग लाइक फायर। जो जो हार गए चुनाव वो सब भड़क रहे हैं, हालांकि बीजेपी भी 2009 में बहुत भड़की थी। अभी देखते हैं। ईवीएम कंट्रोवर्सी रीसर्फेसेस, ईवीएम विवाद पुनः उभरा। द ईवीएम कंट्रोवर्सी री इमर्ज आफ्टर द रीसेंट असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स इन विच द बीजेपी सिक्योर्ड ह्यूज मेजोरिटी इन द बिगेस्ट स्टेट्स लाइक यूपी एंड उत्तराखंड। दैट गेव अ बिग जोल्ट टू द ऑपोजिशन एंड व्हेन दे कुड नॉट फाइंड एनी मेजर विजिबल रीजन, their suspicion zeroed in on the EVMs possibly getting manipulated. By whom? Naturally, by the BJP. That's their allegation. The opposition alleged that the EVMs were tampered with in favor of the ruling party BJP at the center. It's also a fact that the 2004, 2009 and many other elections were lost by the BJP when these EVMs were used. And BJP indeed had raised objections at least in 2009. अब देखते हैं भारत के निर्वाचन आयोग का क्या कहना है। द ईसीएस स्टैंड्स बाय द मशीन्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिजेक्टेड द ऑपोजिशन एलिगेशन सेइंग दैट द इंडियन ईवीएम्स वर नॉट एट ऑल वल्नरेबल टू टैम्परिंग एंड रीप्रोग्रामिंग फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स एंड दैट द कमीशन एक्सरसाइज ऑल प्रिकॉशंस टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द मशीन्स। इन फैक्ट The Election Commission basically says that the entire programming of the chips and the whole structure of working of EVMs is such that once the chips are the programs are burnt into the chips, no further secondary burning of any further program is possible. And because these are not connected to the internet, so external hacking is ruled out. और इसके अलावा और बहुत सारी बारीक चीजें हैं जो ईसीआई बताता रहा है। Old and established EVMs have been used in India since 1998. And paper ballots now by 2017 have been completely done away with. Kagaz pe nirvachan samapt. EVMs make the entire election process simple, just a click, and we are also saving a lot of money. The use of EVMs has made the vote counting process faster, delivering results within hours. Kuch hi ghanton mein aapko chunavi natije mil jate hain kyunki sab kuch electronic hai, to cheeze nischit taur pe bahut saral ho jati hain operationally. अब ईवीएम को लेके बहुत सारे छोटे 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 बिंदु हमने संग्रहित आपके लिए कर लिए हैं। पावर्ड बाय एन ऑर्डिनरी 6 वोल्ट अल्कलाइन बैटरी,
manufactured by Bharat Electronics Limited, Bangalore and ECI, Hyderabad. Why batteries? Because power supply across India is very irregular. At least it was earlier. In the future 5-10 years, maybe this will change. Due to low voltage, there is absolutely no risk of any shock. Nahi to pata chala, aapne vote dala. Oh, chhatka. An EVM can record a maximum of 3840 votes, catering to maximum of 64 candidates. There is provision for 16 in a single balloting unit, and up to 4 units can be connected in parallel, 16 fours are 64. The conventional ballot paper box method of polling is used if the number of candidates exceeds 64, which normally does not. It is not possible to vote more than once. Uski design aisi nahi to aap gaye aur pure josh mein Congress party ke liye khata 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 25 baar daba diya. Koi fayda nahi, 24 baar bekar. Balki ulta provision hona chahiye, jo ek baar se zyada daba utne vote minus kar dene chahiye us party ke. As soon as a particular button on the balloting unit is pressed, the vote is recorded for that candidate and the machine is locked for that moment. I hope this is clear. This way, one person, one vote. एक और टर्म यूज होता है भारत के लिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. हमें जरूर बताइएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. और वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन थे पिछले 25 सालों में जिन्होंने पूरी क्रांति ला दी भारत के चुनावी पद्धति में. हमें उनका नाम जरूर बताइएगा. Fourth, VVPAT arrives. As early as in 2009, senior BJP leader Shri Lal Krishna Advani raised doubts about the security features. Subramanian Swami filed a petition in Delhi High Court challenging EVMs. The court, while saying that EVMs are not tamper-proof, did not issue any direction to the EC. तो ये स्थिति है, बीजेपी और स्वामी जी की तरफ से आपत्तियां उठाई गई थी. फाइनली वीवीपैट अराइव हुआ. स्वामी देन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहां से उनको डायरेक्शन मिला नहीं था हाई कोर्ट से, which in October 2013 ruled that the Election Commission will also use VVPAT, Voter Verified Paper Audit Trails, linked to the EVMs in a phased manner and their full implementation by 2019. इसी को लेके आज सारा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भिंड में ऐसा रिपोर्ट हुआ जो बाद में खारिज किया गया. तो ये वो सिविल अपील नंबर 9093 ऑफ 2013 अराइजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर 13735 ऑफ 2012 इन द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध केस दायर करते हुए ईवीएम हटाने की मांग की, या ईवीएम हटाने की मांग तो नहीं की थी, इशू ऑफ रिट ऑफ मैंडमस की बात की थी टू इनकॉर्पोरेट अ सिस्टम ऑफ पेपर ट्रेल और पेपर रिसीट एज अ कन्विंसिंग प्रूफ दैट द ईवीएम हैज राइटली रजिस्टर्ड द वोट. समझ गए? तो यह है वीवीपैट, जिसमें आपको स्क्रीन पर इमेज दिख जाती है, और इसी को लेकर अप्रैल 2017 की कंट्रोवर्सी आई. The MP controversy. Even before the EVM controversy could die down, it was reignited. फिर से भड़की. After the Congress and the Aam Aadmi Party raised the issue with the EC, after a machine used during a trial in Bhind, MP allegedly dispensed VVPAT slip with BJP's poll symbol. कीचड़ में खेलता कमल. The machine was reportedly earlier used in Kanpur. जिस मशीन में ये गड़बड़े दिखी. MP Chief Electoral Officer Salina Singh, however, said that she denies the reports. And nothing like that actually happened. It was all misreported. Advanced M3 version of VVPAT. तो अब इतना सब हो जाएगा तो naturally there is a need for a reassuring step from the EC. So a new version called advanced M3 version. After all these political parties questioned and Rajya Sabha witnessed a lot of uproarious scenes, whether EVMs are tamper proof or not, now the Election Commission plans to introduce an advanced M3 version. Before the next general elections of 2019, and about time too. जरूरी है, होना चाहिए. More than 9 lakh EVMs purchased before 2006 will now be replaced, और पूरी तरह से नई मशीनें आएंगी. बधाई हो भारत के सभी taxpayers, हमारे पैसे का बड़ा अच्छा सदुपयोग फिर से होने वाला है, पुरानी मशीनें खत्म. These new machines stop working if they are tampered with. नई मशीनों में क्या खासियत है ऐसी? जरा सी छेड़खानी हुई कि वो मशीन काम करना बंद कर देती. जैसे घर में छोटे बच्चे को अपन डांटो कि बेटा होमवर्क कर ले, अभी मस्ती मत कर, तो वो सब कुछ करना ही बंद कर देता है और दरवाजा बंद करके बैठ जाता है. ये मशीनें वैसे छोटे बच्चों जैसी होंगी. द न्यू M3 EVMs विल हैव अ पब्लिक की इंटरफेस PKI बेस्ड म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ जेन्युइन यूनिट. सो दैट्स एन एडिशनल सिक्योरिटी लेयर विच इज बींग ब्रॉट. Let's hope this will ultimately help strengthen the perception in the minds of the people.
क्विज टाइम। अब देखें कुछ क्विज के प्रश्न हल करें। हु वॉज द सीईसी व्हेन वोटिंग थ्रू ईवीएम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। भारत में जब पहली बार ईवीएम लाया गया तो भारत के प्रमुख या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, निर्वाचन आयुक्त कौन थे? डू यू नो द आंसर? हु डू यू थिंक आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 and 5? द करेक्ट आंसर इज श्री एम एस गिल। इन विच ईयर वर ईवीएम फर्स्ट यूज इन इंडिया ऑन अ टेस्ट बेसिस? एक प्रयोग आधार पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को भारत में कब इस्तेमाल किया गया? द करेक्ट आंसर टू दिस इज 1982। और उसके बाद धीरे 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 स्प्रेड होते हुए बाय 2014 दे बिकेम ओमनी प्रेजेंट। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वोटिंग मशीन? दैट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। हाउ वॉज इट गेजेटेड? भारत के सरकारी गेजेट में कैसा आया, उस किस नाम से आया? बहुत अच्छा सवाल है। सो वॉज इट नरेंद्र यादव और एस के थोरात और ए जी राव और एम बी हनीफा और नन ऑफ द अबव, द मोस्ट डेंजरस ऑप्शन? द करेक्ट आंसर इज एम बी हनीफा एंड इन द गेजेट इट वॉज मैंशनड एज इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड वोट काउंटिंग मशीन। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एम बी हनीफा साहब ने भारत की पहली वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक का को ईजाद किया था और इस नाम से वो गेजेट में प्रकाशित हुई थी। तो आइए वर्तमान से भविष्य में छलांग लगाई जाए। 5G एंड IoT, फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। देर आर न्यूमरस स्टडीज दैट ट्राई टू क्वांटिफाई एंड प्रेडिक्ट द इंपैक्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सभी को पता है आने वाले समय में पांचवी पीढ़ी के टेलीकॉम नेटवर्क आ रहे हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का इंटरनेट आ रहा है। A lot of studies have tried to predict the scale, scope, depth, intensity and possible multifarious impacts. It is evident that 5G will inspire innovation across many industries, resulting in new technology applications like IoT as a part of the economy and our lives. So 5G will be a complete game changer because the whole platform will now change, and hence the sheer scope of 5G in terms of IoT also would be enormous. तो ये IoT क्या बला है भैया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स वस्तुओं का इंटरनेट। इट इज द इंटरकनेक्शन वाया इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस एम्बेडेड इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स इनेबलिंग देम टू सेंड एंड रिसीव डेटा। प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के अंदर लगे हुए कंप्यूटिंग डिवाइसेस और सेंसर्स का आपस में इंटरनेट से जुड़ाव, जिससे वो डेटा ले सकें दे सकें, उसे वस्तुओं का इंटरनेट कहा जाता है। This can automate most of the day-to-day tasks for people and homes, leaving quality time at our disposal. तो अब आपको उठ के गीजर बंद करने नहीं जाना है, बारिश आई तो उठ के बाहर यदि आपका लॉन है उसमें स्प्रिंकलर बंद करने नहीं जाना है, सेंसर पकड़ लेगा बारिश चालू हुई स्प्रिंकलर बंद हो जाएगा, गाड़ी चला के लाए तो पीछे का दरवाजा उतर के नहीं खोलना, दरवाजा अपने आप खुलेगा, आइए मालिक, आइए मेरे राजा, गाड़ी अंदर लाइए अपनी 40 लाख की, जिसमें महंगा पेट्रोल डाल के आप ग्लोबल वार्मिंग में अपना बड़ा सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, लाइए लाइए। दरवाजा आपसे कह भी सकता, प्रोग्रामिंग भी पॉसिबल है। तो जो हम में से ज्यादा फ्यूडल माइंडसेट के हैं वो इन सब ऑब्जेक्ट्स में एक माइक्रोफोन भी लगा देंगे, स्पीकर भी लगा देंगे, जिससे वो हर बार सम्राट, आइए सम्राट, स्वागत है सम्राट, महाराज हिदराज, छत्रपति, कुछ भी कह सकते हैं आप खुद को। IoT विल हेल्प यू, एटलीस्ट दैट इज द प्रॉमिस। सीरियस हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। द एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल जनरेशंस। तो सभी को पता है फर्स्ट जनरेशन वॉज 1G, वॉज ऑल अबाउट वॉइस। मैं आपसे कह सकता हूं नमस्ते एंड वेलकम टू बोधिसार। सेकेंड जनरेशन 2G वॉज अबाउट वॉइस एंड टेक्सटिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू बोधिसार और साथ में ये लो SMS। थर्ड जनरेशन 3G वॉज अबाउट वॉइस टेक्सटिंग एंड डेटा, ये लो साथ में ईमेल भी और एक फाइल भी PDF की। फोर्थ जनरेशन वॉज एन एनहांसमेंट ऑफ 3G स्पीड, तो आप ये अभी लाइव देख रहे हैं ना भैया बोधि शिक्षा पर। एंड 5G इज एक्सपेक्टेड टू बी इवन फास्टर, तो मैं होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से आपके घर में 3D आके पढ़ाने लग जाऊंगा आपको। साथ में चाय वाय बनवानी हो तो बता देना, वो भी कर दूंगा साथ में, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे। 1G, दिस वॉज द डिवाइस, व्हाट एन अल्ट्रा मॉडर्न डिवाइस इट वॉज। देखो कान के पास ईंट रखी हुई है उस भाई ने, बड़ी स्मार्ट टाई पहनी है वैसे उसने। 1991 एंड टेक्नोलॉजी वॉज एनालॉग। द लेडी यूजेस 2G, थिंक शी इज वेरी स्मार्ट बिकॉज नाउ दिस कैन इन एडिशन टू द फर्स्ट विच वॉज वॉइस कैन ऑल्सो डू वॉट टेक्सटिंग, तो अब आप SMS भी कर पा रहे हैं। जब ये भारत में पहली बार आए 16 रुपए प्रति मिनट का चार्ज लगता था बेटा।
3G, उसके बाद आया बहुत बड़ा इंटरनेट धमाका 3G, एंड देन केम 4G, जय हो मुकेश अंबानी जी की। और 4G आया और उससे बहुत बड़ी क्रांति भारत के इंटरनेट यूजेज पैटर्न में आई, एंड देन नाउ इज द प्रॉमिस फ्रॉम 2020 ऑफ 5G रोल आउट, यूबिकिटस कनेक्टिविटी। यूबिकिटस यानी सर्वत्र व्याप्त, कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव, तो सब तरफ 24/7 आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, एंड एब्सोल्युटली यह लीज लाइन फाइबर जैसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एक घंटे की HD मूवी 6 सेकंड में डाउनलोड, तो सब पगला रहे हैं भारत के लोग, दिन रात मूवी डाउनलोड करके लगे हैं, कंपनियों से सबने त्यागपत्र दे दिए, घर में राशन पानी खत्म, बस बॉलीवुड देखने में और IPL देखने में सारे पैसे खत्म। बढ़िया, सही जा रहे हैं। सो वॉट विल 5G डू? स्मार्ट ग्रिड्स, कनेक्टेड हाउस, ई हेल्थ, स्मार्ट कार, एंटरटेनमेंट, यू नेम इट, दे विल गेट कनेक्टेड, बिकॉज हर जगह सेंसर्स एम्बेड होंगे जो सबको सबसे कनेक्ट कर देंगे। अब ये अच्छा होगा या बुरा ये तो 2030 तक पता चलेगा। हो सकता है इतने सारे रेडिएशन से आधी मानवता बीमार पड़ जाए। दैट इज समथिंग वी विल सी इन द फ्यूचर। यू एंड मी आर हियर, वी विल सी व्हाट हैपेंस। IoT डिमांड्स 4G। अब ये जो IoT है, नेचुरली इसे 5G की आवश्यकता पड़ेगी। द फुल पोटेंशियल ऑफ IoT कैन बी रियलाइज ओनली बाय 5G। तो अभी जो हमने सवाल पूछा था ना आपसे, आपको क्या लगता है इतना सारा रेडिएशन और ये, सो डू टेल मी व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन एंड कैंसरस इम्पैक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ अदर सोशल इंटरेक्शन ऑल्सो। ये सब जब आ जाएगा तो मानव समाज पर कितने कैसे कैसे अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे हमें बताइए। द फुल पोटेंशियल कैन बी रियलाइज बाई 5G ओनली, विच विल बी कमर्शियली अवेलेबल बाई 2020। एरिक्सन्स लेटेस्ट मोबिलिटी रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द सब्सक्राइबर नंबर्स विल ग्रो एंड एशिया पैसिफिक विल बी द लार्जेस्ट। नॉट ओनली अबाउट स्पीड, लेकिन 5G को सिर्फ स्पीड मानना भूल होगी। 5G इज मच मोर देन जस्ट द स्पीड। इट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्पीड कनेक्टिविटी, वेरी लो लेटेंसी एंड यूनिवर्सल कवरेज। विल सपोर्ट स्मार्ट व्हीकल्स, गूगल बना ही रहा है ड्राइवरलेस कार्स, ऊबर बना ही रहा है, एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रा विच विल मेक फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्मूथ। तो अब मल्टीपल जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो आपस में डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, सड़कों पर सेंसर लग सकते हैं जो ट्रैफिक के फ्लो को स्टडी कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ सेकेंड्स फॉर विच द ग्रीन सिग्नल इज टू बी केप्ट ओपन, देयर बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटायर ट्रैफिक फ्लो कैन बी डन इन अ मच 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 फाइनर वे। ये सब इसके प्रोमिसेस हैं। अब बिजली आ जाए बस सही वक्त पे। इट वुड ऑल्सो इनेबल अस टू कंट्रोल मोर डिवाइसेस रिमोटली, लाइक हैवी मशीनरी इन हजार्डस एनवायरमेंट्स, एंड ऑल्सो डूइंग रोबोटिक सर्जरी एक्सेट्रा। रिमोट मेडिकल केयर आई गए उस पर, यानी दूरस्थ चिकित्सा सुविधाएं। सर्वेज ऑफ डिसीजन मेकर्स फ्रॉम वेरी मेनी इंडस्ट्रीज इंडिकेटेड दैट अ लॉट ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्टेड दैट नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क्स विल अलाउ देम टू इंप्लीमेंट न्यू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स फॉर इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ पीपल। रिमोट मेडिकल केयर कैन एक्चुअली बिकम अ रियलिटी नाउ। तो एक बहुत बड़ा वादा इसका यह है कि आपको, यदि आप एक गाँव में हैं तो शहर में जाना शायद जरूरी नहीं हो। यूजिंग 5G एंड IoT यू कैन हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर एक्सेप्ट परहैप्स सर्जरी इन योर रिमोट एरियाज। बिजनेस मॉडल्स टू अपग्रेड, पर सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि सभी कंपनियों के जो प्रोसेसर्स और मॉडल्स हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। मूविंग टूवर्ड्स 5G, ऑपरेटर्स यानी कि इंटरनेट ऑपरेटर्स एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स विल हैव टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस मॉडल्स। वाई? बिकॉज दे विल नाउ नीड टू कनेक्ट एंड मैनेज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, सेंसर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। शुरू से हमने सेंसर्स की बात की थी आज। इन द नेक्स्ट 5 years IoT रेवेन्यू विल ऑल्सो कम फ्रॉम सर्विस इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म्स, एप्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद कनेक्टिविटी। तो एक बार क्विक इसका रिव्यू देख लें, क्योंकि ये नया टॉपिक है, साइंस टेक्नोलॉजी का है। 5G एंड IoT, वी डिफाइंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी वेंट टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको हमने डिफाइन किया, समझने की कोशिश की, देन वी टुक अ लुक एट 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। देन वी सॉ द यूबिक्विटी प्रॉमिस और यूबिक्विटसनेस प्रॉमिस, IoT डिमांडिंग 5G, नॉट जस्ट अबाउट 5G। देन वी सॉ रिमोट मेडिकल केयर, then we saw business models upgrade, and finally new services. IoT presents opportunities for both operators and industries. Success factors will be the ability to the ability as to how quickly companies can launch new services. आइए आपसे कुछ सवाल कर लिए जाएं। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, कैसे होता है भैया बताओ? स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क की तारों पे डिजिटल डेटा के जरिए इंटरनेट किस तरीके से दिया जाता है? इट इज इंडीड DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेरियस मोबाइल जनरेशन 1G, 2G, 3G, 4G, विच ऑफ दीज आर करेक्ट, इनमें से सही क्या है? अभी बताया था आपको, बताइए 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको?
The correct answer, of course, is A, C, and D. Why is B wrong? It was about voice and texting, not voice and data. Dhyan rakhiyega, bahut fine point hai. You cannot make such mistakes with such basic things. The last quiz question for today. What is the way in which information is transmitted to multiple internet connected devices called? Indeed, it is called multicasting. Multitasking normally humans ke liye use hota hai. We summarize and conclude with another beautiful idea by Swami Vivekanand. Kya kaha Swami ji ne? Take up one idea. Make that one idea your life. Think of it. Dream of it. Live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, energy, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This, my friend, is the way to success. Safalta prapt karni hai. तो एक विचार को लेकर उसके बारे में सोचो, उसी के स्वप्न देखो, उस पर जियो, आपका मस्तिष्क, आपकी मांसपेशियां और आपका पूरा तंत्र, आपका शरीर उस विचार से परिपूर्ण हो जाए, तभी सफलता मिलेगी. Keep using the entire Bodhi Booster portal to the fullest, brought to you by PT Education and PT's IS Academy. आज के हमारे बोधी सार लेसन में इतना ही. बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. नॉलेज इन अ नटशेल, ब्रॉट टू यू बाय बोधी बूस्टर, द लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड द नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स. नमस्ते, जय हिंद.